दोस्तों पहली यूनिट हम देख चुके हैं, आज हम सेकेंड यूनिट का स्टडी करेंगे जिसका टाइटल है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। अब टाइटल के अनुसार हम सबसे पहले ग्लोब के बारे में जान लेते हैं। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है जो धरती की सही सही आकृति का प्रतिनिधित्व करता है। ग्लोब की सहायता से हम टाइम का पता लगाते हैं, पृथ्वी का आकार कैसा है, वो कितने डिग्री में झुकी हुई है और उसकी गति को समझने के लिए जल और थल का वितरण यहाँ पर कैसा है, ये सारी जानकारी हमें ग्लोब से प्राप्त होती है। तो ये तो था हमारा ग्लोब। अब सेकेंड बात आती है अक्षांश रेखा की। तो ग्लोब पर जो आड़ी रेखाएं खींची गई हैं, यही आड़ी रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं, और जो देशांतर रेखाएं हैं ग्लोब पर खड़ी जो रेखाएं खींची गई हैं वे कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। अब तो ये हमने शॉर्टकट में इनका परिचय पा लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। और कुछ कुछ टर्म इसमें दी गई हैं, जैसे कि अक्ष क्या है। अक्ष हम किसे कहेंगे? ये जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, एक काल्पनिक रेखा जो इनको मिलाती है, यही रेखा ग्लोब की अक्ष कहलाती है। और ये जो काल्पनिक रेखा जिन दो बिंदुओं को जोड़ती है, उन्हीं बिंदु को उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। अब बारी आती है विषुवत पथ की। अब हम सबसे पहले ग्लोब का चित्र बना लेते हैं, ये हमारा ग्लोब हो गया। अब यहाँ से यदि हम एक काल्पनिक रेखा खींचें, ये काल्पनिक एकदम सेंटर से जो कि ग्लोब को दो बराबर बराबर हिस्सों में यदि बांट रही है, तो उत्तर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा और जो नीचे वाला दक्षिण वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये हमारी जो काल्पनिक रेखा है इसको हम विषुवत वृत्त कहते हैं, या फिर भूमध्य रेखा भी इसको कहा जाता है, जो कि पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटती है। और यही जो वृत्त है, ऐसे ही हम जब कई सारी लाइनें इस पर खींच देते हैं समांतर में, तो ये रेखाएं हमारी कहला जाती हैं अक्षांश रेखाएं। और ये जो रेखा होती है सबसे बड़ी रेखा होती है, जो विषुवत वृत्त होता है वो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। और आखिर इनको हमने खींचा क्यों? ताकि हम ये पता लगा सकें कि कोई स्थान उत्तर की ओर कहाँ पर है, कौन सी रेखा पर स्थित है, या फिर दक्षिण में कहाँ पर स्थित है। इसका पता लगाने के लिए ये एक सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु होता है, ये हमको ध्यान में रखना है। अक्षांश रेखाएं या फिर समांतर रेखाएं आप जान चुके हैं, इसका मेजरमेंट हम किस में करते हैं? डिग्री में करते हैं। और जब मेजरमेंट की बात आ रही है तो यहाँ पर आप खींच दीजिए, जो रेखा है, जो विषुवत वृत्त है, ये 0 डिग्री को बताता है। अब यहीं से हम रेखाएं खींचना चालू कर देते हैं, ऐसे करके 20 डिग्री खींच दिए, 40, 60, 80 और लास्ट का ये जो होता है यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार नीचे पर भी है 20, 40, 60, 80 दक्षिण में। अब ध्रुव की पोजीशन में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये हम कैसे पता कर लिए? 0 से हमने स्टार्ट किया, चाहे ऊपर में हो चाहे नीचे में हो, कि उत्तरी ध्रुव की पोजीशन 90 डिग्री है, कैसे पता करें? तो ये जो पूरा वृत्त है, पूरा वृत्त जो है कितने का एंगल बना रहा है? 360 का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब ये जो यहाँ से यदि हम इसकी डिस्टेंस की बात करें, तो ये जो दूरी है ध्रुव की वो 1/4 है, मतलब पूरे वृत्त का 1/4 है। तो काट देते हैं, 4×9=36, आंसर आ गया अपना 90 डिग्री। तो उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव भी 90 डिग्री को बताता है। अब हमें एक बात ध्यान रखना है कि ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इनकी लंबाई समान नहीं होती है। ये देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी है, फिर ये छोटा वृत्त हो गया, ये उससे छोटा हो गया, इस प्रकार से ये वृत्त ध्रुवों की तरफ आप जाते जा रहे हो तो सर्किल छोटा होता जा रहा है। अब यहीं पर इसी में कुछ रेखाएँ खींची गई हैं, महत्वपूर्ण रेखाएँ, उनके एंगल और एरिया को आपको याद रखना है। रेखाएँ हम बना लेते हैं और उनके एंगल को भी हम याद रख लेते हैं। सबसे पहले ये दो रेखाएं हमने खींच दिए, और इसके बाद में ये एक और आप एक लाइन खींच दीजिए। तो ये तो है 0 डिग्री वाली हमारी विषुवत वृत्त, और ये जो है हमारी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री वाली यदि रेखा हम ऊपर में खींचते हैं तो वो कहलाती है कर्क रेखा, और यदि इसी को हमने नीचे खींच दिए 23.5 डिग्री तो ये हमारी कहला गई मकर रेखा। और ये वाली लाइन जो है 66.5 डिग्री, ये कहलाती है दक्षिण ध्रुव वृत्त, यदि उत्तर में खींच दिए तो उत्तरी ध्रुव वृत्त, और लास्ट में ये हो जाता है हमारा 90 डिग्री वाला उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ये महत्वपूर्ण रेखाएं हैं हमारी। अब यहीं से हमें कटिबंध का एरिया पता करना है। ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला एरिया कहला जाता है हमारा उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्यों कहला जाता है? क्योंकि सूरज ये हमारा है यहाँ पर, और यहाँ से इसकी जो रेखाएं हैं, मतलब सूर्य की किरणें हैं, एकदम सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। तो ये हो गया हमारा उष्ण कटिबंध। कौन सा? कर्क और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है उष्ण कटिबंध कहलाता है। अब ये वाले एरिया को आप देखिए, यहाँ पर सूरज की किरणें कैसी पड़ेंगी? तिरछी पड़ेंगी। तो ये जो एरिया है मध्यम रहेगा, मतलब न ज़्यादा गर्म रहेगा न ज़्यादा ठंडा,
तो ये एरिया को हम कह देते हैं समशीतोष्ण। कौन से के बीच में हो गया, ये जो उत्तरी ध्रुव व्रत वाली लाइन है और जो कर्क रेखा है, या फिर दक्षिणी ध्रुव वाली जो लाइन है और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है, ये कहलाता हमारा समशीतोष्ण कटिबंध। और इसके बाद आ जाता हमारा शीत कटिबंध। अब आप देख रहे हो कि सूरज तो अपनी पोजिशन में ही रहेगा, तो इसकी किरणें यहाँ पर बहुत ही कम पहुँच पाती सूरज की रोशनी, इसलिए ये जो एरिया है, ये जो एरिया पूरा ठंडा रहता। कहाँ से कहाँ तक का एरिया ये? ये दक्षिणी ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो एरिया है, ये कहला जाएगा शीत कटिबंध। यहाँ एरिया हमेशा ठंडा रहता है। एक बात और हमको ध्यान में रखना है यहाँ पर, एक नॉलेज के हिसाब से जो बताई गई है कि हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ हैं और ये हमारा ध्रुव तारा हो गया। तो अपने स्थान से ध्रुव तारे का एंगल माप के कि ये एंगल कितने का बन रहा है, तो इससे आप किस अक्षांश रेखा पर स्थित हैं ये आप जान सकते हैं। ठीक है, यदि पूछ लिया जाता है कि ध्रुव तारे के एंगल को मापकर देशांतर रेखा की स्थिति पता कर सकते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इससे हम अपने अक्षांश का मान निकाल सकते हैं। अक्षांश रेखाएं आप देख चुके हैं, इसके बाद हम देखेंगे देशांतर रेखाएं। आखिर किसी भी स्थान की पोजीशन बताने के लिए अक्षांश रेखाओं के साथ साथ में हमें देशांतर रेखाओं की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देशांतर रेखाओं की हमें ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इससे यहाँ से एक जो काल्पनिक रेखा यदि हम खींच देते हैं, ठीक है, ये भी पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। इधर वाला एरिया हो जाएगा हमारा पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला एरिया हो जाएगा हमारा पश्चिमी गोलार्ध। दो अलग अलग हिस्सों में इसको बांट रही है, आधे आधे भागों में। अब इस संदर्भ रेखा से पश्चिम की तरफ कोई स्थान की पोजिशन कहाँ है या फिर पूरब की तरफ उसकी स्थिति कहाँ है, इस बात का पता लगाने के लिए हमको देशांतर रेखाओं की ज़रूरत पड़ती है। यह हमको ध्यान में रखना है। अब जो अक्षांश रेखा थी उससे हम केवल ये जान सकते थे कि वो उत्तर उत्तरी गोलार्ध में किधर है या फिर दक्षिणी गोलार्ध में किधर है, लेकिन हम पश्चिम में या फिर पूरब की स्थिति नहीं बता पा रहे थे। इसी के कारण हमें जो है देशांतर रेखाएँ खींचनी पड़ी। अब कुछ फैक्ट हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। देशांतर रेखाओं का यूज़ हम कहाँ करते हैं, इसका भी वही है, किसी भी स्थान की पोजिशन बताने के लिए। ये जो संदर्भ रेखा होती है ये 0 डिग्री है, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रमुख याम्योत्तर। अब यहीं से हम रेखाएं इस प्रकार से हम खींचते जाते हैं खींचते जाते हैं, और लास्ट में खींचते खींचते यहीं पर लास्ट वाली जो रेखा होती है 180 डिग्री वाली, वो भी एक ही रेखा पर स्थित है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 0 डिग्री और 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा है वो दोनों एक ही रेखा पर स्थित है। अब जैसे कि वहाँ पर जो देशांतर रेखाएं थीं उनको हम अंश में माप रहे थे, तो इनका मेजरमेंट हम अंश में ही करते हैं, लेकिन अंश को और भी ज़्यादा हम सरल रूप कर देते हैं, अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में, ठीक है। और इनकी आकृति कैसी है? देशांतर रेखाएं तो थी पूरी वृत्ताकार में, लेकिन ये जो आकृतियां हैं ये अर्धवृत्ती आकार में, इस प्रकार में, ठीक है, अर्धवृत्ती रूप में है, और जबकि जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं वो एक पूरे वृत्त के रूप में है। अब जैसे जैसे आप ध्रुव की तरफ बढ़ते जाओगे, जैसे आप यहाँ हो, यहाँ से आप ध्रुव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो ये जो दो रेखाओं के बीच की दूरी होती है वो कम होते जाती है, और जैसे ही आप यहाँ पे ध्रुव पे उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे तो यहाँ पर यही दूरी, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी 0 हो जाती है। और देख रहे हैं ये रेखाएं एक दूसरे को ध्रुव पर काट रही हैं, लेकिन जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, ठीक है, और हमेशा इनके बीच की जो दूरी है एक सी रहती है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान नहीं है। अब एक चीज़ हमें याद रखना है कि ये जो सभी रेखाएं हैं इनकी लंबाई सेम है, जैसे सब रेखाएं अर्धवृत्त बना रही हैं तो सभी रेखाओं की लंबाई सेम है, लेकिन अक्षांश रेखाओं में सभी रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती है। अब दोस्तों हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखने वाले हैं कि कैसे आखिर हम देशांतर रेखाओं की सहायता से टाइम का पता लगाते हैं कि लंदन में 12 बज रहा है तो इंडिया में कितना बज रहा होगा, आखिर ये कैसे संभव है। तो सबसे पहले हम पूरी पृथ्वी का एक मानक समय, पूरे वर्ल्ड का एक मानक समय तैयार करते हैं, मान लेते हैं 0 डिग्री प्रमुख याम्योत्तर, जो कि लंदन के ग्रीनिच, जहाँ पर ब्रिटिश राज की वैधशाला है, वहाँ से गुजरती है, इसी को हमने मानक समय मान लिया है 0 डिग्री, ठीक है। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमारी धरती पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है, इसीलिए यहाँ पर यदि 0 डिग्री याम्योत्तर पर 12 बज रहा है दोपहर का, तो पूरब वाले जो एरिया है यहाँ का टाइम हमेशा आगे रहेगा आपको, और पश्चिम तरफ की जो देश आएंगे वहाँ का टाइम हमेशा कम रहेगा, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हमको देखना है कि धरती कितनी डिग्री घूम रही है, तो कितना टाइम कम या ज़्यादा हो रहा है। अब हमें पता है कि हमारी जो धरती है 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, तो एक घंटा में कितना घूमेगी, 360 बटे 24, 6 चौके 24, 6 छींग 36 और 15 चौके 60,
डिग्री एक घंटा में घूम रही है। एक घंटा मतलब 60 मिनट, 15 डिग्री, तो एक डिग्री घूमने में उसको कितना टाइम लगेगा, 60 बटे 15, 15 चौके 60, 4 मिनट में धरती 1 डिग्री घूम जाती है और 15 डिग्री घूमने में उसको 60 मिनट लगता है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम आगे की चीज़ देखते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम पृथ्वी का चित्र बनाएं, ये 0 डिग्री पर हम घ्यामोत्तर बनाया और यहाँ पे बज रहे हैं 12। 15 डिग्री की हमने एक देशांतर रेखा खींची और यहाँ पर कोई एक देश स्थित है, ठीक है, पूरब की तरफ, और एक खींच दिया हमने 25 पश्चिम की तरफ 15 डिग्री वाला, ठीक है, और यहाँ पर कोई देश स्थित है। अब प्रमुख याम्योत्तर पर तो 12 बज रहे हैं, 15 डिग्री में देश स्थित है और 15 डिग्री मतलब होता है एक घंटा आ गया पीछे, तो पूरब की तरफ जो देश स्थित है ये 15 डिग्री वाली लाइन में, उसका टाइम एक घंटा आगे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 बज रहे हैं। पश्चिम की तरफ जो देश है वहाँ का टाइम एक घंटा पीछे हो जाएगा, मतलब वहाँ सुबह के 11 बज रहे हैं। इस प्रकार से यदि आपको ये चीज़ पता है कि 15 डिग्री घूम रही है तो एक घंटा आगे या पीछे हो रहा है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। ये तो था हमारा एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं इंडिया के संदर्भ में। ये एरिया इंडिया का हम मान के चलिए इतना एरिया इंडिया ने घेरा है। ये हमारी 0 डिग्री प्रमुख याम्योत्तर। अब हमको पता है कि असम में जो डिब्रूगढ़ है और गुजरात का जो द्वारका है, दोनों के स्थानीय टाइम में अलग अलग अंतर होता है। थोड़ा बहुत हो, जितना भी हो, लेकिन दोनों के स्थानीय समय में अंतर होता है। ऐसी स्थिति में हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई लंदन में यदि 12 बज रहा है तो हमारे देश में कितना बजता होगा? इसके लिए हमें भी एक मानक टाइम निर्धारित करना पड़ेगा, जो कि हम निर्धारित करते हैं 82.5 डिग्री पर जो देशांतर रेखा खींची गई है उससे, ठीक है, 82.5 डिग्री से हम अपने टाइम का निर्धारित करते हैं। अब एक कैलकुलेशन हम करते हैं। ये 0 डिग्री प्रमुख याम्योत्तर है, यहाँ पे 12 बज रहे हैं और इंडिया जो है 82.5 डिग्री वाली याम्योत्तर पर स्थित है, मतलब देशांतर पर स्थित है। इसी को हमने अपना मानक समय माने हैं। तो यदि हम 82.5 डिग्री कह रहे हैं तो कितना घंटा आगे या फिर पीछे, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें पता है कि 15 डिग्री बराबर होता है एक घंटा, ठीक है, 15 डिग्री बराबर हो रहा है एक घंटा, तो 1 डिग्री बराबर हो गया कितना, 1 बटे 15 घंटा, और 82 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 बटे 15 गुणित 82, 82 में हम 15 का भाग दे देंगे तो लगभग 15 पाना 75, 5 घंटा हो गया। ये 5 घंटा, ये और 1/2 को आप इसमें शामिल कर दीजिए, मतलब 5 घंटा 30 मिनट। यदि लंदन में 12 बज रहे हैं तो हमारे देश में कितने बजेंगे, 17 बज के 30 मिनट, मतलब हमारा टाइम 5.5 घंटा आगे है। क्यों? क्योंकि हम पूरब में स्थित हैं। यदि हम इधर पश्चिम में स्थित होते तो हमारा जो टाइम होता वो 5.5 घंटे कम हो जाता। इस प्रकार से हम टाइम का कैलकुलेशन करते हैं। दोस्तों, कुछ और फैक्ट हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मान के चलिए ये हमारा इंडिया है, जो कि इतना एरिया इंडिया ने घेरी हुए है। यहाँ पर असम का डिब्रूगढ़ है, 97 पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है, और यहाँ पर गुजरात का द्वारका है, 68 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब हमने कहे हैं कि भाई ये दोनों का जो स्थानीय टाइम है अलग अलग है, असम में कुछ बज रहे हैं और यहाँ की घड़ी कुछ और बता रही है गुजरात की, तो कितने का अंतर होगा? किताब में दिया है कि 1 घंटा 45 मिनट का इनमें अंतर है दोनों के टाइमिंग में। अब ये इसने 1 घंटा 45 अपने मन से कैसे बता दिया, इसको हम कैसे कर पता करेंगे? यदि इसको मैं पूरे मिनट में कह दूं तो 60 मिनट प्लस 45 मिनट टोटल कितने हो गए, 5, 6 और 4, 10, मतलब 105 मिनट का दोनों के बीच में अंतर है। अब मैंने मिनट में सरल क्यों किया, मैं आपको बता देता हूं। हमको पता है कि 4 मिनट में 1 डिग्री हमारी धरती घूम जाती है, ठीक है, 4 मिनट में 1 डिग्री हमारी घूम जाती है, और ये जो दोनों हैं, दोनों की जो पोजीशन है 97 और 68 डिग्री की, अब इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का गैप हो गया वो हम निकाल लेते हैं, कितने का अंतर हो जा रहा है। 97 में से 68 को यदि हम घटा देते हैं तो बराबर जाता है 29 डिग्री का इनके बीच में अंतर हो रहा है। यहीं से आप ये बता दोगे, जब हमको डिग्री पता है तो हमको टाइम बताने में आसानी आएगी कि भाई इतने टाइम का अंतर होगा। तो 4 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है, तो 29 डिग्री, 29 डिग्री बराबर 4 गुणित 29 कितना हो गया, 4 9 के 36, और 4 दूनी 8 और 3 11, 116
मिनट, और हमने पिछले में कितना देखे थे, लगभग लगभग 105 मिनट। ठीक है, मतलब 1 घंटा इसी को इनने कह दिए थे, 1 घंटा 45 मिनट, और हमने जो कैलकुलेशन किए हैं वो लगभग लगभग 116 आ रहा है। तो 1 घंटा 45 मिनट जो करेक्ट नहीं है, लगभग में यहाँ पर बताया गया है, तो उसको कैसे हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब दूसरी जो बात बताई गई है कि भाई रसिया में 11 मानक समय माने गए हैं। ठीक है, और तीसरी नंबर की जो बात है कि जो हमारी धरती है इसको बराबर बराबर 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, 24 समय क्षेत्रों में एक एक घंटे वाले, ये जो इनके बीच का जो अंतर कितना है, एक एक घंटे का। 1 घंटा का मतलब होता है 15 डिग्री देशांतर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में हमारी धरती को बांटा गया है। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं।